नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। आजकल डिजिटल का दौर काफी तेजी से बढ़ रहा है, उसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। फोन कॉल, मैसेजेस में लिंक भेजना जैसे सब साइबर फ्रॉड करने वालों के लिए ये तरीके अब पुराने हो गए हैं। अब वो किसी के पास सिर्फ एक QR कोड भेजकर लाखों का चूना लगा रहे हैं। इसलिए आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि QR कोड फ्रॉड कैसे होता है और आप खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। कॉन्टेक्टलेस पेमेंट करने के वक्त कई लोग QR कोड को स्कैन करके पैसे ट्रांसफर करते हैं। फ्रॉडस्टर उसी का फायदा उठाते हैं, वो QR कोड को बदल देते हैं जिससे पेमेंट फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चली जाती है। इसी QR कोड को बदल कर कोई भी QR कोड डाल देने को ही QR कोड फिशिंग कहते हैं, जिससे आपके पैसे दुकानदार को ना जाकर फ्रॉड करने वाले के अकाउंट में जाते हैं। QR कोड फ्रॉड कई तरीकों से हो सकता है। इसके लिए स्कैमर आपको मैसेज या ईमेल के जरिए QR कोड सेंड करता है, जिसमें आपको 10,000 की लॉटरी लगने की बात कह सकता है, जिसमें आपको UPI पिन देकर पैसे अपने बैंक अकाउंट में लेने को कहा जाएगा। आप जैसे ही उस QR कोड को स्कैन करेंगे, आपसे UPI पिन मांगा जाएगा। आपको लगेगा इससे पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, लेकिन UPI पिन देते ही आपके पैसे फ्रॉड करने वाले के अकाउंट में चले जाएंगे। QR कोड स्कैन करते वक्त ध्यान रखें कि आप किस जगह यानी बिजनेस पर उसे स्कैन कर रहे हैं और वो सेफ है या नहीं। स्कैन करते वक्त फ़ोन पर आने वाले मैसेज का भी ध्यान रखें और उसके हिसाब से एक्शन लें। अगर QR कोड स्कैन करने के दौरान आपको कुछ भी गलत लग रहा है तो तुरंत उसे कैंसिल कर दें। एग्जाम्पल, अगर स्कैन करने के बाद आपको किसी वेबसाइट पर ले जा रहा है या फिर कोई फ़ोन आने लगता है तो उसे तुरंत कैंसिल कर दें। इन सब के अलावा भूल कर भी कभी किसी के साथ अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, पिन कोड, OTP को शेयर ना करें। ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है और आपका अकाउंट झटके में खाली हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।